आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो हिस्ट्री का है। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि हिस्ट्री पर बात करो, तो तुम लोगों को हिस्ट्री चाहिए तो मैं हिस्ट्री पर बात करता हूं। और आज एक जनरल टॉपिक ले रहा हूं कि जेनेसिस ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में संप्रदायवाद का उदय, उसके कारण, उसका विस्तार, उसकी प्रकृति, इस पर बात करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक एक्ट पर बात कर लेते हैं, और इस एक्ट के साथ ही साथ हम पहला जो एक्ट है 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि यही से कम्युनिज्म को स्टार्ट माना जाता है भारत में। और इसके साथ ही साथ जितने भी सवाल आए हैं आगे चलकर खिलाफत मूवमेंट पर या खिलाफत आंदोलन पर या और आगे चल करके, या वाज द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इनविटेबल, भारत पाकिस्तान का बनना या भारत का विभाजन एक अनिवार्य घटना थी जिसे होना ही था, ऐसे सवालों पर बात करेंगे। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको लेकर के प्रीलिम में सवाल पूछा गया है कि व्हाट वाज द अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड द एक्ट। तो अल्टीरियर मोटिव जो इसका निहित अर्थ था, दैट वाज टू रैली द मॉडरेट्स बिहाइंड द कांग्रेस, बिहाइंड द गवर्नमेंट। माने कि जो 1907 में सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ, जिसमें कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए, इसके पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और इन दो घटनाओं का परिणाम यह था कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इसके और थोड़ा पीछे चले जाएं तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने भारत में जो अपेक्षा शांत वातावरण था, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बन पा रहा था कि कैसे अंग्रेजों के विरोध को आगे रखा जाए, तो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के आंदोलन को ठीक से चलाया जाए, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ने वो वजह दे दी, वो कारण दे दिया कि आंदोलन अचानक तीव्र हो गया। इसके मोडस ऑपरेंडी को लेकर के, इसके विरोध के तरीके को लेकर के कांग्रेस में दो धड़े हो गए और अल्टीमेटली सूरत स्प्लिट हो गया। इधर अंग्रेजों ने डिवाइडर रूल के तहत देखा कि कांग्रेस का चरित्र क्रमशः ज्यादा लोअर मिडिल क्लास ओरिएंटेड, मिडिल क्लास ओरिएंटेड होता चला जा रहा है और ज्यादा क्रिटिकल हुए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम जमींदार लॉबी और लैंडलॉर्ड लॉबी। तो भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक मेजर फर्क ये आया कि पिछले 600-700 वर्षों के शासनकाल में हिंदुस्तान का मुसलमान एलीट क्लास था, तो उसने अंग्रेजी शिक्षा को उतनी तीव्रता से नहीं अपनाया जितना कि हिंदू क्लास ने अपनाया। माने कहने का मतलब यह है कि दिस इज द हिस्टोरिकल ट्रुथ एंड फैक्ट कि हिंदुओं में मिडिल क्लास ज्यादा जल्दी आया और मुसलमानों में उसे आने में वक्त लग गया, और एक ये बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से भारत में दो संप्रदायों के बीच में मनमुटाव और दूरी पैदा करने में अंग्रेज सफल हुए। तो 1909 में जो इलेक्टोरेट था, जो निर्वाचक मंडल था, वो तीन भागों में बांट दिया गया, कम्युनल, स्पेशल और जनरल। तो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स और ओनली टू द मुस्लिम्स। प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछा गया है कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसे दिया गया, तो केवल मुसलमानों को दिया गया था। 1919 में के एक्ट में, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में, फिर इसको बढ़ा करके सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए बढ़ा दिया गया था। और बाद में फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी देना चाहती थी, जिसका बाद में गांधी जी ने विरोध किया, तो उसे वापस लेना पड़ा और रिजर्वेशन दिया गया, जो पूना पैक्ट गांधी जी का अम्बेडकर के साथ हुआ था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वो अंग्रेज नहीं दे पाए, उनको आरक्षण के तहत सीटें दी गई, और अमूमन जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत सीटें दी गई थी उनसे दूनी दी गई। तो फिर हम लौट के आते हैं, तो इसको लेकर के जैसे मॉर्ले, इसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है 1909 को। मॉर्ले ने कमेंट किया था कि बाई अवॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट वी आर शोइंग द ड्रैगन्स टीथ एंड इट्स हार्वेस्ट विल बी बिटर, कि हम 1909 के माध्यम से राक्षस की या शैतान के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल कड़वी होगी। बहुत पहले आप चले जाएं तो जीएस में सवाल पूछा गया है कि आफ्टर द एक्ट ऑफ 1909
it became a challenge every time to pass an act because it put the challenge. क्योंकि इसकी वजह से आगे चल करके जो एक्ट पास हुए उनमें बहुत सारा 1909 का हैंगओवर बना रहा और लगातार हमारे सरकार ने हमारे बीच में कम्युनल इंटेंशंस को बढ़ाया. तो इसके बाद जो खिलाफत और लखनऊ पैक्ट जैसे मामले हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे. हमारा इन एक्ट को बता करके इन एक्ट के बारे में आपकी तैयारी कराना है, साथ ही साथ एक हम बड़ी कंटेम्पररी समझ को हम आपके साथ विकसित करना चाहते हैं और वो है कि भारत में सांप्रदायिकता जो है वो इस कदर क्यों प्रभावी हो गई और वो इतनी बड़ी कैसे हो गई कि वो भारत के विभाजन का कारण बन गई. तो पहले तो हम एक शॉर्ट स्केच ले लेते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है. देखिए, संप्रदाय होने से सांप्रदायिकता नहीं हो जाती है. जब हम संप्रदाय के साथ राजनैतिक भावना को, सांसारिक सरोकारों को हम धार्मिक भावना के साथ जोड़ लेते हैं तो सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है. सांप्रदायिकता के जो मोटा मोटी हैं वो तीन चरण होते हैं. पहला जो होता है वो तो हम तब से मान सकते हैं जब से संप्रदाय रहे. संप्रदाय हो और हमारे मन में ये भाव हो कि हमारा संप्रदाय, हमारी किताब, हमारा ईश्वर अलग है, आपका संप्रदाय, आपकी किताब, आपका ईश्वर अलग है, ये भावना सांप्रदायिकता का पहला चरण है. ये किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं होती, ये किसी तरीके से दिलों को नहीं तोड़ती या किसी तरीके से, केवल एक आग्रह हमारा होता है कि हमारा ईश्वर, हमारा किताब. लेकिन हम आपके ईश्वर, आपकी किताब के मानने का कोई रंजिश नहीं मानते, कोई मनोमालिन्य नहीं होता है. हम केवल अपनी पहचान माने इंसान और सामाजिक सरोकारों, आर्थिक सरोकारों, राजनैतिक सरोकारों के अतिरिक्त हम अपने ईश्वर किताब के आधार पर भी अपनी पहचान बनाते हैं. तो यह पहला चरण है सांप्रदायिकता का. दूसरा चरण सांप्रदायिकता का यह होता है कि हम इस पहचान को अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को अपने मंडेन आइडेंटिटी के साथ, मंडेन इंटरेस्ट के साथ, सांसारिक सरोकारों के साथ अलाइन कर लेते हैं, इनके साथ जोड़ लेते हैं. जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि बिकॉज आई बिलोंग टू डिफरेंट सेक्ट, आई वर्शिप डिफरेंट गॉड, आई फॉलो द कमांड्स ऑफ डिफरेंट बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव डिफरेंट वर्ल्डली इंटरेस्ट फ्रॉम दोज हु फॉलो डिफरेंट गॉड्स बुक्स एंड कमांड्स ऑफ देयर प्रोफेट्स. तो तब ये सांप्रदायिकता का दूसरा चरण आता है कि जब हम अपने सांप्रदायिक भाव के साथ अपने सांसारिक सरोकारों को भी अलग मानना चालू कर देते हैं. तो ये दूसरा चरण है जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में दिखाई पड़ता है. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया तो इसके तहत ये भाव पैदा किया गया. ये अंग्रेजों ने कुछ मुसलमान नेताओं, लीडर्स में माने वो जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे उनके मुंह से बात कहलवाई गई. ये बात दैट वॉज नॉट टॉक ऑफ कॉमन मुसलमान, ये कोई आम मुसलमान का सरोकार नहीं था. ये अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भारत में 500 प्रकार के डिवाइड एंड रूल के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए, हिंदी को गैर हिंदी से, पूर्वियों को पश्चिमी से, उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों से, गोरों को कालों से, सांवलों को गोरों से, ऐसा करके तमाम सारे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट और कारण गिनाए. लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज में वो बहुत ज्यादा सफल हुए और वो सफलता भारत के विभाजन का कारण बनी और वो था कि डिवीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग द लाइन ऑफ हिंदू एंड मुसलमान, माने इस्लाम एंड सनातन. तो इस्लाम और सनातन के बीच में जो डिवाइड एंड रूल का उन्होंने फार्मूला अप्लाई किया उसको उन्होंने 1909 में डाला और 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया. अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया, देश की आजादी के बाद हम आरक्षण देते हैं लेकिन हम देश के आजादी के पहले सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसको खारिज करते हैं. तो दोनों के बीच का अंतर समझ लीजिए. सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, आरक्षण जैसे आज की तारीख में है तो पद का आरक्षण होता है लेकिन मतदाता का आरक्षण नहीं होता है. सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, मतदाता का आरक्षण. सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, मान लीजिए कि आज की तारीख में लखनऊ में सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया जाए, इसका क्या मतलब होगा, केवल मुसलमान खड़ा होगा और केवल मुसलमान ही वोट देंगे. सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट माने निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल को देहाती में बोल सकते हैं वोटर. तो वोटर रिजर्व हो जाता है.
तो ये बात जो है ये दो गलत चीजों को जन्म देती, एक तो सांप्रदायिक उन्माद सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है, क्योंकि जब केवल मुसलमान लड़ेंगे केवल मुसलमानों को उन्हें चाहिए, तो जब प्रचार करने हमारे बीच में आएंगे तो जो मुसलमानों के साथ गैर मुसलमान रह रहे हैं उनकी वो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उन्हें वोट मिलेगा ही नहीं। तो अपने प्रचार के माध्यम से वो यदि नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करता है। तो दैट लीड्स टू कम्युनल फ्लेयर एंड समटाइम कम्युनल वायलेंस आल्सो। दूसरा, दिस बेस्ड ऑन रॉन्ग फिलॉसफी एंड रॉन्ग प्रिंसिपल्स। एंड व्हाट इज दैट, कि द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, द वर्ल्डली इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी आर डिवाइडेड अलोंग द रिलीजियस लाइन्स, कि जो सांसारिक उद्देश्य हैं उनको धार्मिक आधार पर अलग किया जाता है। इस पे जो थ्योरी है वो ये है कि जैसे कोई कलकत्ता का मुसलमान है, कोई लाहौर का मुसलमान है, कोई दिल्ली का मुसलमान है, कोई हैदराबाद का मुसलमान है, कोई तिरुवनंतपुरम का मुसलमान है, तो ये सारे मुसलमानों के सांसारिक उद्देश्य एक जैसे हैं, क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं, वो मुसलमान है। सच्चाई ये है कि कलकत्ता के मुसलमान के सांसारिक सरोकार कलकत्ता के हिंदू से मैच करते हैं और लाहौर के मुसलमान के सरोकार लाहौर के हिंदू से मैच करते हैं, ना कि लाहौर के मुसलमान और कलकत्ता के मुसलमान के सांसारिक सरोकार। मैंने लखनऊ का कोई हिंदू हो या मुसलमान, जो समस्या एक जैसी समस्या होगी, ये बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं वो उनसे दो चार सबको एक जैसा होना पड़ रहा है। वो धर्म ग्रंथों के आधार पर सांसारिक समस्याएं अलग अलग नहीं हो सकती हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की थ्योरी ये मानती है कि हिंदू और मुसलमान जो लखनऊ में रह रहे हैं उनके सांसारिक सरोकार इसलिए अलहदा है क्योंकि वो उनकी इबादत के तरीके अलग हैं, उनके भगवान इनके ईश्वर अलग अलग हैं। तो ये बात जो है ये आगे चल करके ये टू नेशन थ्योरी की तरफ जाती है। ये भी कहा जाता है द सीड ऑफ पाकिस्तान वाज सोन इन द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो होता क्या है कि जो राज्य बनता है, राष्ट्र के अंदर जो राज्य है वह बनता है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला करके। तो जो बात हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मान सकते हैं, तो वही बात सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के क्यों नहीं मानेंगे? और जब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लागू हो जाएगी तो क्यों ना इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर एक रिलीजन के मानने वालों को दूसरे रिलीजन के मानने वालों से अलग कर दिया जाए? तो दैट लीड्स टू टू नेशन थ्योरी। अब सवाल उठता है कि फिर आगे की बातें कैसे बढ़ी और जो बात अंग्रेजों ने चाही उनकी ट्यून पर हम कैसे नाच गए, क्यों क्या हमारे हिस्टोरिकल कैसे कैसे मिस्टेक्स। तो इसके बाद एक बड़ी घटना हुई, वो विश्व स्तर की घटना थी और वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारे यहाँ होम रूल आंदोलन चलाए गए, एनी बेसेंट और तिलक ने चलाए। इसी लखनऊ में दो बातें हुई 1916 में, 1916 में। एक बात थी कि 1907 के बाद पहली बार मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक मंच पर आए, एनी बेसेंट का उसमें मेजर रोल था। और इसी के साथ साथ एक घटना और हुई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आए, इसमें तिलक का बड़ा रोल था। तो ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ समझौता हुआ इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ ये कि कांग्रेस ने मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के डोमिनेंट स्टेटस की बात को स्वीकार कर लिया, मांग को स्वीकार कर लिया कि हम अंग्रेजों से दोनों लोग मिलकर के स्वराज की मांग करेंगे। और कांग्रेस ने कहा कि हम दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस के सरकार के द्वारा दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर। दैट वाज द हिस्टोरिकल मिस्टेक कमिटेड बाय कांग्रेस, क्योंकि इसके बाद से कांग्रेस ने सदा सर्वदा के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध के अधिकार को खो दिया। माने कांग्रेस लॉस्ट द मॉरल स्ट्रेंथ टू अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट। क्यों? इसलिए कि जब 1916 में मुस्लिम लीग इज कमिंग अलोंग द कांग्रेस, तो कांग्रेस इज एंडोर्सिंग द काज ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुसलमान। और जब उसके बाद कांग्रेस से अलग होगी तो फिर कांग्रेस इसका मुखालफत करती है, विरोध करती है, तो कहा जाएगा कि दिस इज नॉट रियल अपोजिशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो रेजिस्टेंस है
that is not against the separate electorate. When Muslim League is with Congress, Congress loves the separate electorate. Mane, it is not the doctrinal, mane, it is not the resistance of the Congress. Principally, Congress is not opposing the concept of the separate electorate. Congress is opposing Muslim League. जब मुस्लिम लीग साथ में है तो सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर रही है, और जब मुस्लिम लीग अलग है तो वह सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रही है। तो कांग्रेस ने मॉरल स्ट्रेंथ को खो दिया जब उसने एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि इससे कम्युनिज्म का आगे कैसे, तो इसमें एक जो इसी के साथ जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ उस समय गांधी भारत में तो आ चुके थे लेकिन अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। गोखले ने जो उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे उन्होंने उनको सलाह दिया था कि आप जो है एक साल भारत को देखें और फिर उसके बाद भारत की राजनीति में प्रवेश करें। तो इसलिए लखनऊ पैक्ट के समय वो एक्टिव नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा कि लखनऊ पैक्ट एक पॉलिटिकल अलायंस है बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, इट इज नॉट द मीटिंग ऑफ द हार्ट्स ऑफ द हिंदू एंड मुसलमान। ये हिंदू मुसलमानों के दिलों का मिलन नहीं है या जो है वो एक राजनीतिक समझौता है। इसके बाद में एक बड़ी घटना हुई इसी विश्व युद्ध के चलते कि जो अलायंस पावर थे वो जीते और जो सेंट्रल पावर थे वो हारे, और उसमें क्या हुआ कि तुर्की युद्ध हारा, और तुर्की के युद्ध हारने के बाद उनके साथ ट्रीटी हुई और वहां पर खिलाफत को हटा करके जमहूरियत को लाने की बात हुई और ये हुआ कि तुर्की में खिलाफत हटाई जाएगी। इसको लेकर के गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि द अपॉर्चुनिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द हार्ट्स ऑफ द हिंदूज एंड मुसलमान will not arrive in the coming of 100 years what we have in the name of the khilafat. To unhone khilafat andolan jo hai wo musalmanon ke paksh mein chalane ki baat ki. Congressiyon ne pehle samarthan nahi kiya, special session mein gandhi ji ne kisi tarah se manwaya aur fir jo hai wo annual session mein usko endorse kiya. Baad mein gandhi ji ne jo cooperation movement chalaya wo bhi khilafat ko lekar ke tha. Aur ye jo बात है इसको लेकर के कमीशन ने सवाल पूछा है कि बाय लॉन्चिंग खिलाफत गांधी कंप्रोमाइज सेक्युलर इमेज, खिलाफत को चला करके गांधी ने अपने सेक्युलर इमेज के साथ समझौता किया। अब सवाल उठता है कि खिलाफत में ऐसा क्या था। तो अब आज की तारीख की जो मनोदशा है हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति, हिंदुओं की, हिंदुओं के प्रति मुसलमान भाइयों की, इसको खिलाफत के साथ समझना पड़ेगा। लखनऊ पैक्ट ने अंग्रेजों को यह ताकत दे दी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे नॉनसेंस और भारत के विघटनकारी बात को आगे के एक्ट में लागू करवा ले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस से मॉरल स्ट्रेंथ खो देती है लखनऊ पैक्ट के बाद। लेकिन खिलाफत आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने जो चाल चली थी उस चाल को बहुत तेजी से जो है वो खिलाफत आंदोलन तीव्र कर देता है और एक तरीके से भारत के विभाजन की एक बड़ी मजबूत आधारशिला का निर्माण खिलाफत आंदोलन करता है, वो इस तरीके से समझना चाहिए। देखिए खलीफा जो है वो चार खलीफा बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के जाने के बाद, अबू बकर हैं, उस्मान हैं, अली हैं। तो ये अली ये इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उन खलीफाओं के बाद फिर उनका आगे के चला और एक खलीफा पूरे मिल्लत के संसार के सारे मुसलमानों के मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि सल्तनत के दौरान हिंदुस्तान के सुल्तान खलीफा से खिल्लत मंगाते हैं, जिसमें रोब आफानर आता है, टाइटल आता है, स्वॉर्ड आते हैं, तमाम सारे, और इसको हम जैसे कि 1258 तक हम बगदाद के खलीफा से मंगाते हैं, उसके बाद इजिप्ट के खलीफा से मंगाने लगते हैं। कि आप देखेंगे कि अब खिलाफत इजिप्ट कैसे चली गई कि 1258 में हलाकू ने बगदाद के खलीफा और उसके परिवार के लोगों को मार डाला, अल मुस्तईन था और हलाकू ने ऐसा किया। इसके बाद खिलाफत इजिप्ट चली गई, काहिरा चली गई, कैरो। वहां फिर 15वीं शताब्दी में ये खिलाफत जो है वो चली जाती है तुर्की, और तुर्की के जो रूलर था उसका टाइटल था शाह, और तुर्की का खलीफा तुर्की का शाह खलीफा हो गया। ऐसे में बाबर संसार का पहला व्यक्ति हुआ, जैसे महमूद गजनवी पहला व्यक्ति हुआ जिसने अपने को सुल्तान कहा, वैसे ही बाबर पहला व्यक्ति हुआ जिसने अपने को बादशाह कहा। चूंकि तुर्की का खलीफा अपने को शाह कहता है इसलिए बाबर अपने को बादशाह कहता है, और हिंदुस्तान में बाबर के समय के बाद से किसी ने भी किसी भी खलीफा को नहीं माना, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बादशाह था वो खलीफा एंड सुल्तान टू इन वन था। तो मुगलों के समय से ही हिंदुस्तान में खिलाफत जो थी वो बादशाहत में ही नहीं थी,
बाद जब यहाँ खुतबा पढ़ा जाता था फ्राइडे प्रेयर के समय जो इमाम पढ़ता है तो उसमें जो खलीफा होता था मान जो मुस्लिम लीडर होता था वो स्वयं मुगल बादशाह होता था। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हिस्टोरिकली गलत बात थी कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर किसी खलीफा के प्रति अपनी एलिजियंस अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कोई आंदोलन चला। दूसरा, यहीं से कांग्रेस ने वो सिलसिला चालू किया जिसका मतलब हुआ माइनॉरिटीज़म इज़ सेकुलरिज़्म ऑफ इंडिया। कांग्रेस का घोषित संकल्प था कि हम यहाँ पर अपने मन से किसी धार्मिक मुद्दे को नहीं उठाएंगे, और दूसरा एक घोषित ये था कि हम अपने मन से किसी सामाजिक मुद्दे को नहीं उठाएंगे क्योंकि सामाजिक मुद्दों में हम लोग बटे हुए हैं और धार्मिक मुद्दों में भी यदि हम उठाएंगे तो भी हम बटेंगे। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंच को पूरी तरीके से अपोलिटिकल असोशल रखा था, पॉलिटिकल ही रखा था, उसमें इट वाज रिलीजियसली न्यूट्रल, इट वाज सोशली न्यूट्रल, उसमें सामाजिक मुद्दे नहीं उठाए जा सकते थे क्योंकि समाज के मुद्दों पर सामाजिक मुद्दों पर समाज बटा हुआ था। कोई कहता था घूंघट होना चाहिए, कोई कहता था नहीं होना चाहिए, कोई कहता था चाइल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता था गर्ल एजुकेशन होनी चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। तो मराठा के जो अमूमन कांग्रेसी पॉलिटिशियन थे वो सामाजिक मुद्दों में बंगाली लोगों से नितांत भिन्न थे। तो इसलिए कांग्रेस कोई सामाजिक मुद्दा अपने मन से नहीं उठाती थी और कोई धार्मिक मुद्दा नहीं उठाती। लेकिन वही कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफत के मुद्दे को उठाती है और सेकुलर है, एक बात। दूसरा, इसी से खिलाफत से संबंधित जो गांधी से सवाल पूछा गया, एक सवाल और पूछा गया है, वो भी आईएएस में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन चला करके ये बात स्थापित की गई कि भारत में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेशनलिज्म, एक्स्ट्रा टेरिटरी माने दूरंदेशी राष्ट्रीयता का जन्म हुआ कि माने भारत में रहते हुए उसकी राष्ट्रीयता कहीं और, प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता देश की सीमा रेखाओं के बाहर। तो ये जो आज का वातावरण है कि लोग कहते हैं कि बगदादी के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान जा सकता है या हिंदुस्तान में रहता है पाकिस्तान के साथ जा सकता है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान की मानसिकता नहीं है। ये कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचा था तभी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से खिलाफत आंदोलन चलाने की बात की थी कि खलीफा चूंकि तुम्हारा सहधर्मी है इसलिए उसके अपदस्त किए जाने के लिए आप आंदोलन चलाइए। तो यह न केवल गलत इतिहास था बल्कि खराब इतिहास भी था। इट वॉज नॉट ओनली रॉन्ग हिस्ट्री, इट वॉज नॉट ओनली बैड हिस्ट्री, इट वॉज ऑल्सो रॉन्ग हिस्ट्री। ये खराब तो था ही लेकिन यह गलत भी था, और इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर के इस सोच को जो अंग्रेज हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के मन में पैदा करना चाहते थे कि यदि आप मुसलमान हिंदुस्तान का जो है वो मुसलमान हिंदुस्तान में रहता तो है लेकिन वो नेशनल नहीं है, हिंदुस्तानी नेशनल नहीं है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता अपने रिलीजन के साथ है ना कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ है। तो इस तरीके से ये जो गलत बात है इसको कांग्रेस ने जस्टिफाई एक तरीके से किया, और आगे चल करके जो बात बढ़ी जिसमें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मांग को स्वीकार किया अल्टीमेटली, और बहुत थोड़े से कुनबे ने स्वीकार किया, लेकिन जिस किसी ने भी स्वीकार किया और इस मांग में दम इतनी आ गई कि देश का विभाजन तक हो चुका, उसकी वजह सिर्फ ये बनी कि यदि हम मुसलमान लोग हिंदुस्तान में आज़ादी पाते हैं तो वह अंग्रेजों से आज़ादी होगी लेकिन हमारे लिए वह हिंदुओं की गुलामी होगी, इसलिए इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके बाद से जो खिलाफत आंदोलन है और लखनऊ पैक्ट, इन दोनों ने मिलकर के 1909 में जो अंग्रेजों का इंटेंशन था उसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दिया। तो ये कम्युनिज्म का जो सेकेंड फेज है, इस फेज के बाद जो थर्ड फेज कम्युनिज्म का आता है वह फेज ये होता है कि जिसमें कम्युनिज्म बिकम वायलेंट। वायलेंट कैसे हो जाती है कि पहले में मानते हैं कि हमारा संप्रदाय एक है, आपका संप्रदाय एक है, फिर हम मानते हैं कि हमारे संप्रदाय के आधार पर हमारे सांसारिक हित अलग हैं, दूसरे और आपके संप्रदाय के आधार पर आपके सांप्रदायिक हित अलग हैं, डिफरेंट है, डाइवर्जेंट, लेकिन तीसरे में पहुंच करके द इंटरेस्ट आर नॉट ओनली डाइवर्जेंट एंड डिफरेंट बट दे आर डिपेंडिंग ऑन, माने द इंटरेस्ट ऑफ वन कम्युनिटी कैन बी मेंटेन एट द कास्ट ऑफ द अदर, एट द कास्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी, माने हमारे हितों की रक्षा दूसरे के हित की कीमत पर ही हो सकती है। तो ऐसे में या तो मुसलमान के हित की रक्षा होगी या हिंदुओं के हित की रक्षा होगी। यदि मुसलमान अपने हित की रक्षा चाहता है तो वह हिंदुओं के हित की कीमत पर ही होगा। यदि हिंदू ये चाहता है कि हिंदुस्तान आजाद हो
तो यह हिंदुओं का हित होगा जो मुसलमानों के हित पर सदा हुआ है, और मुसलमानों का हित इसमें है कि आजादी तो मिले लेकिन कौम के आधार पर हमारा देश अलग हो, क्योंकि यदि हमको आजादी मिलती है और हम हिंदुओं के साथ रहते हुए आजाद होते हैं तो वस्तुतः यह हिंदुओं की आजादी होगी, मुसलमानों के लिए केवल गुलामी के नाम का बदलना होगा। अभी वो अंग्रेजों के साथ अंग्रेज के सब्जेक्ट्स हैं ना, और अब आगे चल करके हिंदुओं के रहेंगे। तो थर्ड स्टेज में जो ये सांप्रदायिक हो जाती है और उन्मादी और हिंसक हो जाती है सांप्रदायिकता, उसके पीछे का वातावरण जो है वो इन तीन एक्ट्स में निहित है। बाकी हाउ फार द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान वॉज इनविटेबल, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको ग्रेस्प करने में थोड़ा कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। तो मुझे लगता है कि ये भूमिका ने आपको भारत के कम्युनिज्म और किस तरीके से इसमें हिस्टोरिकल फोर्सेस वर्क कर रही थी उसको समझने में आपको मदद मिली होगी, और आपकी जो क्वेरीज हैं इनको लिख करके आप हमको दे सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। थैंक यू।